हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, जिसर क्लासेस के ऑनलाइन फॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास की। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे और अब आज पढ़ रहे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ में हम महाराणा कुंभा की बातें कर रहे हैं। महाराणा कुंभा के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था और महाराणा कुंभा लगभग कर दिया था। उसके बाद उसके आगे बढ़ाते हैं प्यारे दो तरीके से कौन सा है और बातें करते हैं। चलिएगा, हम बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं देखिएगा। अभी तक तो जो बातें कर रहे थे हम, किस बात कर रहे थे भाई, कुंभा की बात के बारे में पढ़ रहे थे। कुंभा की महाराणा कुंभा या राणा 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 कुंभा राणा पुत्र कुंभा के हुआ दो पुत्र हुए, तो उदा और एक पुत्र, एक रायमल। और रायमल कहा जाता है, इसका जो शासनकाल माना जाता है, कुंभा का जो शासनकाल माना जाता है वो कहां से कहां तक माना जाता है, इसका शासनकाल माना जाता है 1468 से 1468 से 1473 कौन शासक बन जाता है, उदा शासक बन जाता है। ये कुंभा की भ्रातृ हत्या करके, कुंभा की हत्या कर देता है, ये हत्या कर देता है भाई, कुंभा की हत्या कर देता है, ये शासक बन जाता है। उसके बाद 1473 में, कब 1473 में, 1473 में जो शासक बनता है कौन बनता है भाई, आपका कौन शासक बनता है भाई यहाँ पर 1473 में, राइवल शासक कौन शासक बन जाता है भाई, राइवल शासक बन जाता है 1473। 1473 से कहा जाता है कि राइमल जो होता है कहाँ तक 1509 शासन करता है, कहाँ तक भाई 1473 से 1509 तक कहाँ तक शासन करता है भाई। इसके शासन काल में तो कोई विशेष काम घटित नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई खास बात नहीं हुई। और ये क्या होता है, एक बार आकाश से बिजली गिरने का मृत्यु हो जाती है, बिजली गिर जाने के कारण जाने से खुदा की मृत्यु हो जाती है, खुदा मृत्यु हो जाती है, ताकि मृत्यु होगी। उसके बाद राइमल शासक बनता है, कौन शासक बनता है भाई, राइमल शासक बनता है। और हम जो बात करने जा रहे हैं, किस बात करने जा रहे हैं, राइमल की बात करने जा रहे हैं भाई, राइमल की बात करने राइमल राइमल और राइमल का जो शासन काल या टाइम पीरियड माना जाता है भी, राइमल का टाइम पीरियड माना जाता है, राणा राइमल शासक बनता है, राइमल शासन काल माना जाता है 1473 से 1473 से लगाकर राणा की कुंभा की 1509 तक का भाई, 1509 तक का शासन काल इसका माना। राइमल भी वैसे कोई विशेष काम तो कर नहीं पाया, लेकिन छोटे मोटे कुछ घटनाएं इसके काम में काल में घटित जाती है, ध्यान रखनी है। देखिए, एक तो राइमल की पुत्री श्रृंगार देवी ने चित्तौड़गढ़ में क्या करवाया था, घोषणी बावड़ी का निर्माण। दो तीन काम है, तीन चार काम है यहाँ पर, देखिए राइमल की पत्नी कौन थी भाई, राइमल की पत्नी कहा जाता है श्रृंगार देवी, कौन थी भाई, राइमल की पत्नी थी श्रृंगार देवी, जो उन्होंने बात की थी कि योदा की पुत्री थी, राइमल पत्नी डायरेक्टली पत्नी की पत्नी कौन थी, श्रृंगार देवी।
देवी ने क्या करवाया तोड़ दुर्ग में, तोड़ दुर्ग में, तोड़ दुर्ग में गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया, गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया, निर्माण रंग देवी के द्वारा कहा जाता है कि यहां पर कहां पर प्यारे दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया जाता है। ये किसकी पत्नी थी भाई, ये रायमल की पत्नी थी। और बात करें जहां पर एक लिंगी जी का जो मंदिर था भाई, इसके द्वारा रायमल के द्वारा एक लिंगी जी का जो मंदिर था उसका पुनः निर्माण करवाया जाता है। एक लिंगी जी का मंदिर का पुनः निर्माण, एक लिंगी जी के मंदिर का पुनः निर्माण, एक लिंगी जी के मंदिर का निर्माण तो किसने करवाया था, किसने करवाया था भाई, कहा जाता है कि मोकल ने करवा दिया, बपर अवल में करवाया दिया था एक लिंगी जी के मंदिर का निर्माण। तो यहाँ पर पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, पुनः निर्माण किसके द्वारा कराया गया भाई, राइमल के द्वारा इसका पुनः निर्माण करवाया जाता है। कौन सी का, चित्तौड़गढ़ में तीन जलाशयों का निर्माण करवाया, का निर्माण करवाया, जलाशयों का निर्माण करवाया है, ठीक है। और क्या करवाया इसने, बात करें तो यहां पर चित्तौड़गढ़ में कहां पर, चित्तौड़गढ़ में तीन जलाशयों का निर्माण करवाया, का निर्माण करवाया, चित्तौड़गढ़ में तीन जलाशयों का निर्माण करवाया, किसके द्वारा करवाया गया, ये करवाया गया भाई रायमल के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया, कि रायमल की जो छतरी है वो जावर उदयपुर में बनी हुई है, कहाँ पर बनी हुई है की बात करें, छतरी छतरी कहाँ पर बनी हुई है, जावर, टावर कहाँ पर है, उदयपुर, कहाँ पर बनी हुई है भाई, टावर उदयपुर में इसकी छतरी बनी हुई है। ये मुख्य बातें किससे संबंधित थी भाई, ये रायमल से संबंधित बातें थी। और बात करते भाई इसके बाद जो बात करने जा रहे हैं हम, इसके बात करने जा रहे हैं, ये तो सारी बातें थी किससे, रायमल से संबंधित। अब नेक्स्ट देखिएगा, तो ये रायमल से संबंधित जानकारी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिएगा इतनी बातें ध्यान रखनी है। तो रायमल के किसकी बात कर रहे हैं, रायमल, तो रायमल का बेटा था भाई ये बाघा बेटा था, पुत्र था भाई ये कुंभा का पुत्र। कुंभा का जो शासनकाल माना जाता है 1433 से लगाकर 1468 तक, ठीक है। इसके बीच में जो शासक बनता है साल थोड़े से टाइम के लिए कौन बन जाता है, उदा, कौन बन जाता है इसके समय बाद 1468 और 1468 में जो शासक बन जाता है, देखिए यहाँ पर कौन बनता है भाई 1468 में बनेगा, ठीक है, कब से कब तक बनता है, 1468 से लेकर 1473 तक, कब तक 1473 कब तक बनता है, 1473 के बाद बनता है रायमल, कौन बनता है, रायमल, कौन बनता है भाई, रायमल। और रायमल कब बनता है, 1468 से लेकर 1468 से लेकर 1509, कौन बनता है, 1509। और 1509 में ये किसका पुत्र था, ये भी कुंभा का पुत्र था, ठीक है, ये भी कुंभा का पुत्र था। इसके बाद ये रायमल के कितने पुत्र होते भाई देखिएगा, इसके बाद वैसे बनता कौन है, सांगा बन जाएगा, और किस प्रकार से बढ़ते हैं ये थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ पर, क्या कंडीशन,
कंडीशन ये होती है, इसकी दो पत्नियां थी, एक तो रतन कंवर, एक थी श्रृंगार देवी, रायमल के एक तो रतन कंवर एक थी श्रृंगार देवी, ठीक है याद रखिएगा। और दो पत्नियों से कहा जाता है कि इसके तीन पुत्र, बात कर रायमल की, चलेगा ये पत्नी, क्या की बात कर रहे हैं रायमल की पत्नी, और रायमल की कितनी पत्नी थी, दो पत्नियां, एक तो का नाम था क्या रतन कंवर, रतन कंवर एक पत्नी थी रतन कंवर, कौन थी भाई रतन कंवर, और इसके पुत्र थे रतन कंवर के जो पुत्र माने जाते हैं, इसके पुत्र क्या भाई के पुत्र, और इसके जो पुत्र थे भाई देखिएगा के पुत्र थे, एक तो कौन था पृथ्वी राज, ठीक है इसे उड़ना पृथ्वीराज कहा जाता है, क्या कहा जाता है उड़ना पृथ्वीराज, उड़ा राजकुमार कहा जाता है, उड़ना पृथ्वी राज या उड़ना राजकुमार, क्या क्या कहा जाता है उड़ना राज कुमार कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई इसको उड़ना राजकुमार कहा जाता है। और दूसरा बात करें संग्राम सिंह, कौन संग्राम सिंह, कौन था भाई संग्राम सिंह, और इसी के एक बेटी भी थी, एक पुत्री थी, इसकी एक पुत्री भी थी, यहां लिख दे एक पुत्री थी, कौन थी भाई एक पुत्री, उसका नाम क्या था आनंदा बाई, आनंदा आनंदा बाई या आनंदी, आनंदी क्या था आनंदी, इसका विवाह किया था कहां पर सिरोही, कहां पर किया था भाई इसका जो विवाह किया जाता है आनंदी का, कहां किया जाता है इसका विवाह किया जाता है जगमाल देवड़ा से, किससे किया जाता है जगमाल देवड़ा सिरोही वेड्स, वेड्स के साथ किया जाता है जगमाल देवड़ा, और देवड़ा कहाँ के सिरोही के, कहाँ के भाई सिरोही के साथ। अब बात कर रहे हैं इसके एक पुत्री और दो पुत्र थे, और इसका एक रानी और थी, उसका नाम क्या था भाई एक रानी और थी, वो कौन सी रानी थी इसकी चर्चा करते हैं, तो रानी कौन सी थी दूसरी रानी की बात करें तो कहा जाता है इसका नाम था श्रृंगार देवी, क्या श्रृंगार देवी, कौन सी श्रृंगार देवी, जो कहाँ की थी भाई जोधा की पुत्री, श्रृंगार देवी की पुत्री थी जोधा की पुत्री, मारवाड़ की जोधा की पुत्री, इसका एक पुत्र था, ये कौन पुत्र एक पुत्र था, उसका नाम क्या था जगमल या जयमल, जयमल क्या जगमल, इसका एक पुत्र था, अर्थात रायमल के तीन पुत्र, कितने पुत्र थे एक तो पृथ्वीराज, एक संग्राम सिंह और एक कौन जयमल या जगमल, ठीक है प्यारे दोस्तों याद रह जाएगा, यही संग्राम सिंह सांगा, क्या नाम था इसी का सांगा, आगे चलकर यही सांगा के नाम से क्या बनेगा शासक बढ़ने वाला है, क्या बढ़ने वाला है भाई शासक बढ़ने वाला है, यहां पर ध्यान रह जाएगा इस तरीके से ये पूरे के पूरे। अब कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है इनके बीच में, इनके बीच में यहां पर जो देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों क्या सिचुएशन मिलती है, उत्तराधिकारी युद्ध होता है, किन किन के बीच में होता है उत्तराधिकारी युद्ध, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे इसके बीच में, किसके बीच में एक तो इसके बीच में और इसके बीच में, इसके बीच में भाई इनके बीच में क्या होता है उत्तराधिकारी युद्ध, क्या होता है उत्तराधिकारी संघर्ष, उत्तराधिकारी संघर्ष क्या होता है भाई उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, इनके बीच में तीनों पुत्र है भाई कौन शासक बनेगा,
कौन शासक नहीं बनेगा, ऐसे संघर्ष होता है, किसके के बीच में संघर्ष होता है उत्तराधिकार को लेकर, याद रखिएगा। अब उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होता है, संघर्ष में क्या होता है भाई, संघर्ष में ये होता है, ठीक है। अब ये कंडीशन होती है, देखिएगा एक दिन क्या होता है, होता ये है कि तीनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, और आपस में लड़ते झगड़ते रहते तो कहा जाता है कि एक दिन इनका चाचा था सारंगधर, कौन था इनका चाचा, इनका चाचा कौन था भाई सारंगधर, का चाचा कौन था, का चाचा था सारंग, और ये सारंगधर इनसे कहते हैं कि तुम रोजाना ही लड़ते झगड़ते रहते हो कि लड़ो मत हो, और तीनों को लेकर कहा जाता है ये कि चाचा था सारंगधर कहाँ चला जाता है कि भीमल गांव में चला, और भीमल गांव में एक पुजारी रहती है कि वहां पर तुम्हें वो भविष्यवाणी करती है और वहां पर तुम्हारा भविष्य दिखा लाते हैं कि कौन राजा बनने वाला है कौन नहीं बनने वाला, भविष्य दिखा लाते हैं, लेकिन जा तो रहे हो वहां पे उठा पटक मत करना, किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा मत करना वहां पर, ठीक है, ठीक है भाई कि चलो आज की निर्णय करवा ही लेते हैं, जैसे जो भी बनेगा वो दिख ही जाएगा, ठीक है। क्या कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि यहां पर क्या कंडीशन होती है भाई, कहां पर हिमल गांव, एक था ये चाचा के साथ, तीनों कहां चले जाते हैं, तीनों कहां चले जाते हैं, एक तो कौन पृथ्वीराज, पृथ्वीराज और संग्राम सिंह, संग्राम सिंह सबसे छोटा था भाई, संग्राम और कौन जगमल, तीनों कहां चले जाते हैं, ये तीनों चले जाते हैं भाई, कहां जाएंगे ये तीनों चले जाते हैं, कहां पर भीमल गांव, कहां पर भीमल गांव, भीमल गांव में एक भीमल गांव, यहां पर कौन, एक पीरी, पीरी चारणी नामक महिला रहा करती थी, भविष्य देखा करती थी, क्या थी भाई, ये देखा करती थी भविष्य, भविष्य देखा करती है, भविष्य देखती, ठीक है, क्या करती, भविष्य देखा करती थी, तो कहा जाता है भीमल गांव राजसमंद में पड़ता है, कहां पड़ता है भाई राजसमंद में, ठीक है भाई, आ गए चाचा के साथ आ गए, और कहा जाता है कि जब एक मंदिर था भाई माता का, और उस मंदिर में कहा जाता है कि ये पुजारिन थी, तो ये कहीं बाहर गई हुई थी, तो वहां पर बैठने की जगह नहीं मिली, तो ये कहा जाता है वहां से एक वो चोकोर टाइप का बना रहता है, गद्दी टाइप का, जिसको उठा लाता है, और उठाकर कौन पृथ्वीराज उसी पर बैठ जाता है, ठीक है, संग्राम सिंह खड़ा रहता है, और कहा जाता है कि ऐसी बातें वहां पर होती है, घटित होती है, और कंडीशन ये होती है प्यारे दोस्तों, तीनों के तुने यहाँ आ गए, और तीनों आ जाने के बाद जब ये बैठ देखती है कि ये बाहर बैठे हुए कोई दिक्कत नहीं, मेरी चारणी आई, मेरी चारणी ने आया कर देखा, तो उसकी तरफ आंखें निकालने लगे कि इतनी देर से आई है, ये जो हम कौन है ये भी जानती है नहीं जानती, ये तो कोई भी है हमें क्या मतलब, क्या बता क्या काम से आया, ठीक है, तू किस लिए आया, कि हम राजा की भविष्यवाणी देखने आए, कि के लिए भविष्यवाणी, सारंगधर क्या तू चुप रहे मैं बात करता, सारंगधर ने समझाया कि एक बार देखो कि पहले नंबर आया पृथ्वीराज का, ना भाई ये तो नहीं बनने वाला, फिर किसका आया जगमल का, तो दूसरे नंबर का जगमल था, जिसको देखा भाई इसके भी राजयोग नहीं है, तू एक तरफ बैठ, ठीक है, अब तीसरा नंबर आता है संग्राम सिंह का, क्या आता है भाई संग्राम सिंह का नंबर आता है कि ये है राजा बनने लायक, और यही आपका मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी या अगला शासक बनेगा। उसी समय प्यारे दोस्तों क्या होता है कि पृथ्वीराज अपनी कटार निकालता है और कटार से वार कर देता है, किसके ऊपर, इसके ऊपर संग्राम सिंह के ऊपर, किसके ऊपर है ये कौन भाई संग्राम सिंह के ऊपर अपनी कटार निकालता है, और अपनी कटार से ये संग्राम सिंह बैठा हुआ है, यहाँ पर कौन बैठा हुआ था संग्राम सिंह, ठीक है, और इधर पृथ्वीराज, कौन पृथ्वीराज, ठीक है, और इधर कौन बैठा है बीच में
तीनों। अब देखिएगा क्या कंडीशन होता है, ये अपनी तलवार निकालता है या कटार निकालता है, क्या निकालता है भाई, अपनी तलवार निकालता है, और तलवार ये कटार निकाल कर कहा जाता है, इस तलवार से प्रवार करता है संग्राम सिंह। कौन? संग्राम सिंह के ऊपर क्या करता है, वार करता है ये पृथ्वीराज। कौन? पृथ्वीराज, पृथ्वीराज। और ये जगमाल। कौन? जगमल। ठीक है, इसके ऊपर वार करता है तो कहा जाता है कि इसकी एक आंख फूट जाती है। आंख क्या हो जाती है? आंख लग जाती है, एक आंख फूट जाती है, तलवार के वार से एक आंख फूट जाती है, और कहा जाता है ये अंधा हो जाता है, और यहाँ से ये दौड़ लगाता है, यहाँ से भगता है, यहाँ से भगता है। तो ये कहा जाता है सेवंत्री गाँव में, कहाँ चला जाता है, सेवंत्री गाँव में, कहाँ चला जाता है, सेवंत्री गाँव में जाकर शरण लेता है। और कहा जाता है इसका पीछा करते हुए कौन, जगमाल जाता है इसका पीछा करते हुए जगमाल। कौन? जगमाल इसका पीछा करते हुए जाता है, और जगमाल पीछा करते हुए जाता है तो कहा जाता है कपास। ठीक है, अब क्या कंडीशन होती है, अब यहां पर पीछा करते हुए कौन, विद्या जय मलोत। अब इसको किसको, सेवंत्री गांव में एक माता का मंदिर बना हुआ था, किसका, माता के मंदिर में छिपा देता है कौन को, किसको, संग्राम सिंह, संग्राम सिंह किसके मंदिर में, एक माता के मंदिर में छिप जाता है। और यहाँ का सेवंत्री गांव का जो शासक था या प्रशासक जो भी है, यहाँ का विद्या जय मलोत, कौन था भाई, विद्या जय मलोत, कौन था, विद्या जय मलोत। विद्या जय मलोत कहता है कि तुम घुस जा के भीतर, अंदर घुस जा, संग्राम सिंह को तो माता के मंदिर में घुसा देता है, कहाँ पर, माता के मंदिर में, कहता है तू घुस जा के माता के मंदिर में, कहाँ पर, ये संग्राम सिंह इधर, कौन भाई, संग्राम सिंह। और ये संग्राम सिंह को बोल देता है कि तू तो माता के मंदिर में घुस जा, कहाँ घुस जा भाई, ये माता का मंदिर, तरीके से देखा जाए क्या माता का मंदिर है, माता के मंदिर है ये, माता का मंदिर, इसमें किसको, संग्राम सिंह को छुपा देता है, किसको, संग्राम सिंह को कौन छुपा देता है, क्या है, माता का मंदिर, माता का, और माता के मंदिर में संग्राम सिंह को छुपा देता है। संग्राम सिंह को छुपा देने के पश्चात क्या होती है कंडीशन ये होती है प्यारे दोस्तों कि जगमल कौन प्यारे दोस्तों, जगमल और विद्या राय मलोत के बीच होता है, क्या होता है, युद्ध होता है, इसमें कहा जाता है विद्या राय मलोत क्या होता है, वीर गति को प्राप्त होता है, ये क्या होता है वीर गति को प्राप्त होता है, कौन, विद्या जय मलोत क्या होता है, वीर गति को प्राप्त होता है। और संग्राम सिंह यहाँ से दौड़ लगाता है, जब तो मारेगा कि माता के मंदिर में छुपा हुआ है, विद्या जय मलोत से कहा किसने, जगमल ने कहा कि वो यहाँ पे वो आया था क्या, कि आया है, विद्या जय मलोत ने कहा कि आया है, युद्ध तो बाहर निकाल उसको, क्यों, पहले मेरे से युद्ध करना पड़ेगा तेरे को, संग्राम सिंह के पास जाने से पहले मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। तो कहा जाता है कि ये जगमाल इसको विद्या जय मलोत को यहाँ पर मार देता है, मार देने के पश्चात संग्राम सिंह के गेट से भग लेता है, क्या करता है, पीछे के गेट से सरक लेता है, और सरक लेने के पश्चात यहाँ से ये चला जाता है कहाँ पर, श्रीनगर, कहाँ चला जाता है अभी, श्रीनगर कहाँ पर पड़ता है, ये अजमेर, कहाँ पर पड़ता है, श्रीनगर अजमेर में चला जाता है। और यहाँ के करमचंद पवार इसके यहाँ जाकर शरण लेता है, ये करमचंद पवार, यहाँ करमचंद पवार किसके यहाँ शरण लेता है, करमचंद पवार के यहाँ जाकर ये शरण लेता है, यहाँ शरण लेता है भाई, करमचंद पवार के यहाँ शरण लेता है। करमचंद पवार क्या था, ये लुटेरा था, एक प्रकार क्या था भाई, एक प्रकार का लुटेरा था, और जिसके यहाँ शरण लेता है। अब क्या कंडीशन, ये तो इस प्रकार से उत्तराधिकारी संघर्ष चलता है, और उत्तराधिकारी संघर्ष में ये भाग ले जाता है, कहाँ चला जाता है, श्रीनगर, करमचंद पवार के यहाँ जाकर शरण ले लेता है। अब क्या कंडीशन, दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ जो है वो आपका ये कौन भाई, जगमल। तो प्यारे दोस्तों क्या कंडीशन होती है, नेक्स्ट देखिएगा, टोडा का शासक था कौन भाई, टोडा का शासक था कौन,
टोडा का शासक था गयासुद्दीन खिलजी। कौन था भाई? टोडा का शासक गयासुद्दीन। तो यहाँ पर हम बात करें सबसे सब। तो पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, पृथ्वी राज। और दूसरा शासक बनाना है भाई, ये राइमल के बाद शासक बनाएंगे, एक जग जगमल केमल, ठीक है, केमल कह दे, केमल या जेमल, ठीक है। और इधर कांगा यानी कि शामसी। अब इसका खात्मा कैसे होता है ये समझ। इसी दौरान समय यहां पर देखिए कहां का टोडा, टोडा टोडा ये टोडा 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 का शासक था भाई सुल्तान सुल्तान देवड़ा। कौन था भाई? सुल्तान देवड़ा अर्थात टोडा का शासक हुआ करता था। कहाँ का? सुल्तान या राव सुल्तान कह दे, देवड़ा भी हटा दे तो। कौन था भाई? राव सुल्तान, राव सुल्तान। कौन था? राव सुल्तान। कहाँ का शासक था ये? शासक क्या है? लेकिन इस टोडा के ऊपर कौन? गुजरात का। कौन प्यारे दोस्तों? गुजरात का, गुजरात। और गुजरात का कौन? गयासुद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी किसके ऊपर? टोडा के ऊपर आक्रमण कर देता, आक्रमण करके अधिकार कर लेता। गयासुद्दीन खिलजी आक्रमण तो कर देता है, आक्रमण कर देने के पश्चात ये कौन? ये सुल्तान जो राव सुल्तान है ये किस शरण में आ जाता है? ये राइमल की शरण। ये किसकी शरण में आ जाता है? राइमल की। क्या लेता है? शरण ले लेता, राइमल की शरण में आ जाता है ये, ठीक है। जब राइमल की शरण में आ जाता है, राइमल की शरण में आ जाने के पश्चात अब आपको पता है कि कहाँ रहोगे। आने के पश्चात हमारे रहने वहने की व्यवस्था ये कि आप मेरे को शरण दे दो, कि हाँ बिल्कुल राव आप ठीक है तो आप आइए। और कहा जाता है मेरे राजमहल में रहिए, और इसके नाम पे ही कहा जाता है महल वहल बनवा के वहाँ पर शरण दे देता है। कौन? राइमल। अब राइमल शरण देता है, शरण दे देने के पश्चात कहा जाता है, इनके बाप की बात कर रहा हूँ मैं, कुंभा के सांगा के पिता की बात कर रहा हूँ। और शरण दे देने के पश्चात कुछ समय तक ये इसके राजदरबार में रहता है। राजदरबार के दौरान ही किसको देख लेता है ये? कहा जाता है इसके परिवार सहित आ ही जाता है। परिवार सहित आ जाने के बाद क्या कंडीशन होती है कि इनके वार्तालाप हुआ था राइमल और इसके सुल्तान देवड़ा, सुल्तान राव सुल्तान के बीच में, कि मैं आपकी पुत्री का विवाह आपके पुत्र से कर दूंगा, कि ठीक है भाई कर देना। तो बुलाया, ठीक है। कहा जाता है राइमल के 10 पुत्र माने जाते हैं। कितने? 10 पुत्र थे। 10 पुत्र में से कहा कि कौन ब्याह करना चाहता है, कि 10 का 10 कहे में से दो का, एक तो इसका जगमाल का, ठीक है, और एक पृथ्वीराज का हाथ खड़ा था। किसका हाथ खड़ा था? लेकिन यहाँ शर्त एक है, तो 10 के 10 के ही खड़े हो गए, लेकिन शर्त एक है, शर्त 10 के 10 के ही खड़े हो गए, लेकिन एक शर्त है कि टोडा को जीत कर मुझे देना पड़ेगा। ब्याह कब करूँगा? टोडा को जीत कर मेरे को देना पड़ेगा, जब राव सुल्तान ने कहा तब मैं विवाह करूँगा, ठीक है भाई। तो 10 में से 8 नीचे हो जाते हैं और दो याद खड़े रहते हैं, एक तो जगमाल का और एक पृथ्वीराज का, ठीक है, पृथ्वीराज का और एक जगमाल का। और कहा जाता है कि अब कंडीशन क्या है कि जगमाल से इसकी सगाई फिक्स कर देते हैं, ठीक है, कि भाई ये अट्ठा कट्टा उल्लू का पट्टा बढ़िया दिख रहा है। पृथ्वीराज ने सोचा किसी से कर देते, इसकी पुत्री थी तारा। कौन थी? तारा। अब कहा जाता है प्यारे दोस्तों, अब एक दिन ऐसे दोस्तों में बैठा हुआ था भाई, कौन बैठा होता है यहाँ पर? मेल वेल बनाए रखे थे यहाँ पर, ठीक है, दोस्तों में बैठा हुआ था। तो कहा जाता है कि राजदरबार में ये टोडा सुल्तान है, जो राजदरबार में भी उपस्थित होने लग गया था टोडा का सुल्तान, और राजदरबार में उपस्थित, अरे कोई दिक्कत नहीं कि आप आओ, कि बढ़िया आराम से आ जाए करो जब भी इच्छा हो तो भाई। वहाँ घर पे मन नहीं लगता तो क्या करे कि आ जाए करो आप राजदरबार में, बढ़िया जगह दे दी। और कहा जाता है इसको जागीर वगैरह भी दे दी और आप तो आओ कि बढ़िया रहो। अब क्या कंडीशन? अब एक दिन इसके भाइयों ने कहा, इसके दोस्त वगैरह थे किसके, जगमाल के, अरे यार कि तूने बिना देखे सगाई कर ली, कभी तो देखा ही नहीं कि उसने। और एक दिन क्या करता है ये,
पूर्ण जगमाल किसके घर, इसके घर चला जाता है सुल्तान देवड़ा के घर, किसके घर के घर चला जाता है, सुल्तान देवड़ा के घर चला जाता है। और सुल्तान देवड़ा के घर जाके कहा जाता है कि इसके महल में चला जाता है, इसके महल में जाके कहता है कि तू तेरी बेटी को दिखा, क्या कहता है इससे डायरेक्ट कि तेरी बेटी को दिखा। आपको पता है कि पहले राजपूतों में और अभी भी कहा जाता है कि विवाह से पहले या सगाई से पहले, सगाई तो हो रही थी कच्ची पक्की हो रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन देखी नहीं कि देखी नहीं तो इसके दोस्तों ने इसको भर दिया कि अभी तक तूने देखी नहीं रहे, ऐसे ही सगाई कर ली, कोई बात नहीं कि भाई अपने राज दरबारों में ऐसे ही चलता है। तो कहा जाता है कि ये भर जाता है, जो कौन आ जाता है यहाँ पर जगमाल इसको देखने के लिए, यहाँ पर गेट कीपर से कहता है, गेट कीपर यहाँ पर मिलता है जगमाल है, जगमाल किससे कहता है कि भाई इसको बुलाओ, तो यहाँ के ठीक है मैं बेटा हूँ किसका, जयमल का, सॉरी रायमल का बेटा हूँ, और किसको बुलाया गया, सुल्तान को बतलाया गया, किसको बुलाया गया, सुल्तान देवड़ा, इसको सुल्तान को बुलाया गया, अर्थात राव सुल्तान को बुलाया गया। और सुल्तान ने कहा कि भाई क्या बात है, बात यह है कि मैं आपकी बेटी से मिलना चाहता हूँ। अरे किसे मिलना चाहते हो, राजपूती परंपरा को ही भूल रहे हो आप, नहीं नहीं कि वो सब एक तरफ, मैं तो मिलना चाहता हूँ, तू इतना आगे बढ़ेगा और इतना आगे बढ़ेगा तो कहा जाता है कि जगमाल या जिगमल को यहीं पर सुल्तान देवड़ा के द्वारा तलवार निकाली जाती है, लेके तेरे को दिखाऊं कि साले को यहीं पे सटा दिया जाता है इस जगमाल के द्वारा, किसको सुल्तान देवड़ा राव सुल्तान के द्वारा किसको जगमल को मार दिया जाता है, इसकी हत्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, जगमल की हत्या कर दी जाती है। ओहो हत्या कर दी गई। अब हत्या कर दी जाती तो कहा जाता है कि क्या होता है, अब कंडीशन क्या होती है भाई, इससे बातचीत की और उसने कहा कि रायमल से कहा कि सो यार गलती होगी कि ये जबरदस्ती कर रहा था और मेरे से ताबड़ तोड़ बल्लेबाजी करी और वो गलती से हो गया कि चलो हो जाने दो छोड़। फिर कहा कि अब क्या करें, क्या ही करना, कुछ भी नहीं करना कि जो मेरे ब्याह करे तो भाई ब्याह तो करना पड़ेगा आपको, आपने शर्त रखी है, ठीक है कि जो मेरी शर्त है कि सुल्तान देवड़ा से किसको सॉरी टोडा को जीत कर मेरे को दे दे तो ब्याह कर दूंगा। तो कहा जाता है मेरे दोस्तों ये पृथ्वीराज किसको टोडा को जीत कर किसको देता है, सुल्तान देवड़ा, कौन पृथ्वीराज, और इसकी बेटी तारा का विवाह से कर दिया जाता है, इस पृथ्वीराज से कर तारा का सुल्तान देवड़ा की पुत्री तारा का विवाह से कर दिया जाता है, पृथ्वीराज से कर दिया जाता है। क्या तो भाई सगाई हो रखी थी, सगाई टूट गई, लेकिन बाद में किसका विवाह इससे साथ कर दिया जाता है, साथ कर दिया जाता। अब इसके साथ विवाह हो गया और इसी के नाम पर आपको पता है अजमेर दुर्ग का, मेरी एक शर्त है क्या कि मेरे नाम से कोई दुर्ग उर्ग बनवाओ, क्या कहती है, हाँ विवाह तो कर लिया ठीक है, मेरी एक शर्त है कि मेरे नाम से भी कुछ चर्चे चलने चाहिए। अरे यार गरीब आदमी सही राजा है और मेरे पास इतनी राजकुमारियों के पास धन सम्पत्ता कहाँ, कोई नहीं कि आप तो बनवाओ, मांग करती है। तो कहा जाता है अजमेर का जो दुर्ग है पर दोस्तों किसका, अजमेर का जो दुर्ग है उसका इस ताराबाई के नाम पर इसका जीर्णोद्धार करवाता है, डेंटिंग पेंटिंग करवा के उसको मस्त करवा देता है और इसका नाम अजय मेरु से बदलकर तारागढ़ कर देता है, इस तारा के नाम पर पृथ्वीराज कौन कर देता है, अजमेर पर भी मेवाड़ वालों का अधिकार हुआ करता था और कहा जाता है इसका नाम बदलकर क्या कर देता है, अजय मेरु दुर्ग का, किसका, अजय मेरु दुर्ग का क्या कर देता है, तारागढ़, क्या कर देता है, तारागढ़, ठीक है। और इसी की छतरी कहा जाता है कि मलगढ़ में बनी हुई छतरी की, पृथ्वीराज की छतरी मलगढ़ में बनी हुई है जिसके आसपास कहा जाता है लगी, ठीक है। अब कंडीशन क्या है प्यारे दोस्तों, तो ये तो हो गया, ब्याह तो हो गया, लेकिन कहा जाता है जो आनंदा थी, आनंदा इसकी बहन थी जिसका विवाह कहाँ किया हुआ था, इसका विवाह सिरोही किसके के साथ किया था, जगमाल देवड़ा के साथ, के साथ जगमाल देवड़ा के साथ जिसका विवाह किया था, इसकी बहन का, इसकी बहन आनंदाबाई का, किसका, आनंदाबाई या आनंदीबाई का, ठीक है। इसका विवाह किसके साथ, जगमाल देवड़ा, ये कहाँ का था, सिरोही, कहाँ का था भाई, सिरोही का, ठीक है, इसके साथ विवाह हो रखा था। अब ये धमकियां देने लग गया किसको, आनंदाबाई, इसकी बहन को धमकियां देने लग गया, अरे तेरे बाप ने क्या दिया मेरे को, हैं तेरे बाप ने क्या दिया, और तू मनचाही जो सुनाती रहती ये वो ढंग से रहे कि मैं भी मेवाड़ की बेटी हूँ, आकी देख लीगी, और हाथ वात भी उठा देता है, इसका लेटर लिख दिया आनंदाबाई ने अपने भाई को, किसको, पृथ्वीराज को लेटर लिखा कि भाई बात ऐसी है
को लेटर लिखा उदना पृथ्वीराज को। और बात ऐसी है कि ये जो देवड़ा है ना ज्यादा नाटक कर रहा है, क्या कर रहा है अर्थात तेरा जीजा है ना ये नाटक कर रहे हैं कि क्या नाटक कर रहे हैं। कहा जाता है कि पृथ्वीराज इसको समझाने के लिए जाता है कहाँ पर, कहाँ जाता है सिरोही जाता है। और सिरोही जाने के पश्चात पर दोस्तों कौन जाता है पृथ्वीराज, पृथ्वीराज सिरोही जाता है। सिरोही में कहा जाता है कि इसको समझाता है, घर में प्रवेश करता है कहाँ पर, यहाँ पर बढ़िया अच्छे से समझाया कि भाई क्या बातचीत है, क्या बातचीत है कि बातचीत ये है कि तू नाटक कर रहा बता मेरी बहन से, किससे नाटक कर रहा है भाई मेरी बहन से नाटक कर रहा है। और क्या नाटक कर रहा है कि तूने ये कहा बताया कि कुछ दिया नहीं ये वो दुनिया भर की चीजें, क्या लेना चाहता है तू पहले वाले, तो तेरा विवाह कहाँ हुआ है मेवाड़ में, मेवाड़ वैसे डोन रियासत ठीक है, और तू छोटी मोटी रियासत भाई पावर की मेवाड़ के सामने, तो भाई कोई दिक्कत नहीं ठीक है कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी ठीक है भाई समझा दिया। तो साले जी आए हैं तो इसने कहा जगमाल देवड़ा ने कुछ खिला पिला के भेज, ऐसे क्या भेज दिए क्या हो कि खाना, अरे तू फोकड़ी पर टलाई मत करके अभी जाने से टाइम नहीं है मेरे पास खाकू लिया ठीक है खाकू लिया कि जाड़े टाइम नहीं है अपने पास, चल कोई बात नहीं ऐसा कर तू लड्डू वड्डू बनाए थे ना उसने लड्डू को ऐसा कर कि टिफिन में पैक कर दे, क्या कर दे टिफिन में पैक कर दे ये लड्डू ठीक है, ये लड्डू के लिए 5-7 लड्डू किसके लिए के लिए पृथ्वीराज के लिए पैक करके लेके ये टिफिन कर दे और किला में मेरे को दे कि मैं दे के आ जाता हूँ, तो देकर आ जाएगा पृथ्वीराज को देने। और जब ये पृथ्वीराज को देने के लिए जाता है इसका साला सॉरी इसका बहनोई जगमाल देवड़ा कहा जाता है उसी समय जहर मिला देता है, क्या मिला देता है इसमें लड्डुओं में जहर मिला देता है और कहा जाता है कि रास्ते में चलते चलते भूख लगे तो खा लेना कि भाई खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं। और रास्ते में जिसके कुंभलगढ़ के निकट पूछता है पूछते ही कहा जाता है भूख लगी है तो अरे यार कि अपनी बहन ने वो लड्डू बांधे थे उनको खाना है, तो एक पेड़ के नीचे रुक जाता है खा लेता है, खाकर यहाँ से रवाना हो जाता है ठीक है, हाथों हाथ थोड़ी मरेगा। तो जहर के लड्डू से कहा जाता है पहले दोस्तों कुछ देर चलता है वहीं पर क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है अर्थात पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है, किसकी मृत्यु हो जाती है पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है। जगमल पहले मार दिया अब बचा कौन अपने पास, अब बचता कौन है भाई यहाँ पर कौन बचेगा, अब बचा है अपने पास मात्र संग्राम सिंह, कौन बचा है भाई संग्राम सिंह, कौन बचेगा भाई संग्राम सिंह। अर्थात ये तो रायमल को याद आया बुढ़ापा आ ही गया था कि उसको बुलाओ रे वो कहाँ बैठा है किधर भटक रहा है कि बुलाओ किसी किसी को तो उत्तराधिकारी बनाएंगे कि, तो इसने किसने रायमल ने बुलाया किसको संग्राम सिंह को बुलाया, और संग्राम सिंह को बुलाकर क्या किया इसे राजा राजकुमार घोषित कर दिया। और कहा जाता है प्यारे दोस्तों जग इसकी जगमल की जयमल की मृत्यु के बाद संग्राम सिंह शासक बनता है, कौन बनता है भाई संग्राम सिंह शासक बनता है, कौन बनता है संग्राम सिंह शासक बनता है। देखिएगा की मृत्यु के बाद जयमल की मृत्यु के बाद कौन बनता है संग्राम सिंह, कौन बनता है राम सिंह या राणा सांगा ठीक है, क्या कहेंगे क्या कहेंगे राणा सांगा, क्या कहेंगे भाई राणा सांगा। उसका जो शासन काल माना जाता है भाई कब से कब तक माना जाता है 1509 से 1528 तक, कब से कब तक भाई 1509 से 1528 तक इसका शासन काल माना जाता है, किसका भाई राणा सांगा का, राणा सांगा शासक बन जाता है यहाँ पर, शासक बन गया भाई राणा सांगा शासक बन जाता है, कहाँ का शासक बन जाता है भाई मेवाड़ का या चित्तौड़ जाता है राणा सांगा बन। चलिएगा अब बात करते हैं किसके बारे में राणा सांगा, राणा सांगा शासक बन जाता है भाई। और राणा सांगा शासक बन जाने के पश्चात अब कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन ये है कि इसके पिता कौन थे भाई रायमल, पिता कौन के पिता रायमल, कौन भाई के पिता कौन रायमल, और माता की माता जो है कौन थी भाई, कहा जाता है यहां पर ये शासक बनता है और शासक बनने के पश्चात क्या कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है भाई यहाँ पर माता का, देखिए रतन कंवर, रतन
कंवर कौन थी भाई? माता रक्तन कंवर का राज्याभिषेक, राज्याभिषेक, राज्याभिषेक का जो राज्याभिषेक है कब होता है? 1509 में। कब होता है भाई? 1509। इस समय जब ये शासक बना, इस समय कौन कहाँ का पैर दोस्तों? ये शासक बना तो उस समय दिल्ली का शासक, कहाँ का भाई? दिल्ली का। ये राणा सांगा शासक बना तब दिल्ली का शासक, कहाँ का? दिल्ली का शासक जो है, दिल्ली का शासक, ठीक है, शासक कौन था भाई? दिल्ली का जो शासक था पैर दोस्तों समय कौन था? सिकंदर लोदी था, सिकंदर लोदी। जब राणा सांगा शासक बना तो दिल्ली का शासक था सिकंदर लोदी। तो ये शांति प्रिय था, इससे कोई मतलब नहीं था, अर्थात किसी प्रकार का आक्रमण वाक्रमण नहीं किया इसने। इसके बाद जो शासक बनेगा, इसके बाद शासक बना दिल्ली का इब्राहिम लोदी। कौन बना? इब्राहिम लोदी। कौन बना भाई? इब्राहिम लोदी शासक बना। कौन बनता है? इब्राहिम लोदी शासक बन जाता है, कहाँ का? दिल्ली का। अर्थात खिलजी यहाँ पर इब्राहिम लोदी शासक बन जाता है, अफगानी शासक था। अब इब्राहिम लोदी शासक बन जाता है, तो शासक बन जाने के पश्चात कहा जाता है पहले दोस्तों क्या कंडीशन होती है कि ये शासक बना तो अब कंडीशन ये होती है। इस समय कब प्यारे दोस्तों? सांगा के समय कि इब्राहिम लोदी ये साम्राज्यवादी शासक था, कैसा शासक था भाई? साम्राज्यवादी नीति का पालन करने वाला शासक था, और साम्राज्यवादी नीति का देखते हुए कहा जाता है कि ये आक्रमण करता है। किसके ऊपर आक्रमण करता है? कब करता है भाई? ये सबसे पहले आक्रमण करता है कहाँ का? खातोली का। कहाँ का? खातोली का युद्ध। कहाँ का? खातोली का युद्ध। खातोली का युद्ध होता है 1517 में। अब होता है भाई 1517। खातोली वर्तमान में तो कोटा में पड़ती है। कहाँ पड़ती है ये? वर्तमान में कोटा में पड़ती है। पहले बूंदी में आया करती थी, आया करती थी बूंदी में आया करती, ठीक है। ये युद्ध होता है इब्राहिम लोदी के बीच, के बीच होता है भाई। ये जो युद्ध होता है भाई किसके बीच होता है? इब्राहिम लोदी यानी कि मेवाड़ का। पहले तो मेवाड़ की बात करें, मेवाड़ का शासक कौन है? मेवाड़ का शासक राणा सांगा। कौन भाई? राणा सांगा। राणा सांगा यहाँ का मेवाड़ का शासक वर्सेज कौन? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ये कहाँ का शासक? ये जो शासक था भाई ये था दिल्ली का। कहाँ का? दिल्ली का। इस युद्ध में किसकी विजय होती है? सांगा की विजय होती है। किसकी विजय होती है भाई? सांगा विजयी हो जाता है। क्या हो जाता है इस युद्ध में? कहा जाता है कि इस युद्ध में जबरदस्त युद्ध होता है। जबरदस्त युद्ध होने के पश्चात कहा जाता है कि यहाँ पर खातोली के युद्ध में किसकी विजय हो जाती है? मेवाड़ के महाराणा सांगा की विजय हो जाती है। और राणा सांगा की विजय हो जाने के पश्चात ये कौन? इब्राहिम लोदी भाग जाता है यहाँ से। कहाँ ये भाग जाता है? और भाग कर कहाँ चला जाता है? दिल्ली भाग जाता है, ठीक है। कहाँ चला गया? दिल्ली वापस भाग गया, ठीक है। अब आ गया वापस, दिल्ली भाग जाता है। अब कहा जाता है कि दूसरी बार ये कुछ समय पश्चात ही कहा जाता है कि ये वापस आ जाएगा। क्या? अब दूसरा युद्ध करता है ये, आ जाएगा। आ जाने के पश्चात देखिए क्या कंडीशन होती है। इसके बाद क्या दूसरे आक्रमण के लिए तैयारियां करने लग जाता है। दूसरा आक्रमण कब करता है भाई? ये जो आक्रमण करता है दूसरा बाड़ी का युद्ध। कौन सा? बाड़ी का युद्ध। और बाड़ी का युद्ध होता है कब? होता है भाई 1518 में। कब होता है? 1518 या 19, ठीक है। बाड़ी कहाँ पर पड़ता है? धौलपुर में। कहाँ पड़ता है? धौलपुर में। कहाँ पर पड़ता है भाई? धौलपुर में। बाड़ी धौलपुर नामक स्थान पर बाड़ी का युद्ध होता है। किसके बीच होता है ये युद्ध भी? कुंभा के बीच होता है ये युद्ध भी। कुंभा एक तरफ तो कौन? कुंभा। कौन भाई? कुंभा। और वर्सेज कौन? इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी।
कौन भाई? प्रेम ज्योति। और इन दोनों के बीच होता है, और इस युद्ध में कहा जाता है कि इस युद्ध में भी कौन विजय होता है, इस युद्ध में भी कौन विजय होता है, यहाँ पर कौन विजय हो जाता है, इस युद्ध में भी कुंभा विजय हो जाता है। अर्थात दूसरा युद्ध होता है धौलपुर में, एक युद्ध में मारकर भगाया, दूसरा युद्ध हो जाता है धौलपुर में, धौलपुर में भी कौन विजय हो जाता है, यहाँ पर कुंभा विजय हो जाता है। इसके पश्चात बात करें कि अब आपको पता है कि देखिएगा क्या कंडीशन है, इसके बाद होता है गागरोन का युद्ध। कौन सा भाई? गागरोन। और गागरोन का युद्ध, गागरोन का जो युद्ध है प्यारे दोस्तों वो कब होता है? गागरोन का युद्ध 1519 में। कब होता है? 1519 में गागरोन का युद्ध होता है। कहाँ का युद्ध होता है? गागरोन का। और गागरोन का कौन था? मैदिनी राय। ठीक है, गागरोन कहा जाता है कि यहाँ पर होशंगशाह शासक, यहाँ पर मैदिनी राय था, मैदिनी राय को कहा जाता है कि उधर से खदेड़ कर मोहम्मद खिलजी शासक बन जाता है। कहाँ का? मालवा का। और मालवा के मोहम्मद खिलजी ने भगा दिया था किसको? तो मैदिनी राय को। मैदिनी राय किसकी शरण में आ जाता है? कांगा की शरण में। किस शरण में आ जाता है भाई? कांगा की शरण में आ जाता है। कांगा की शरण में आ जाने के पश्चात कहा जाता है कि ये इसको गागरोन की जागीर देते, किसके जागीर दे देता है? तो उधर मोहम्मद खिलजी को पता चलता है। कौन सा? मोहम्मद खिलजी। यहाँ पर द्वितीय आएगा। मोहम्मद खिलजी को द्वितीय को पता चल जाता है कि वो किधर बैठा हुआ है भाई? वो बैठा हुआ है कहाँ पर? गागरोन में छिप कर बैठा हुआ है। के ऊपर आक्रमण करता है कौन? मोहम्मद खिलजी द्वितीय। कौन करता है भाई? गागरोन का युद्ध। और लड़ने के लिए कौन आ जाता है? उसके ऊपर आक्रमण तो करता है लेकिन लड़ने के लिए आ जाता है आपका सांगा आ जाता है। कौन आ जाता है भाई यहाँ पर युद्ध करने के लिए? एक तो यहाँ पर गागरोन, कौन? सांगा। एक तरफ तो सांगा, सांगा वर्सेज ये कहाँ का? मालवा का। कहाँ का पैर दोस्तों? मालवा का। कौन था? मोहम्मद खिलजी। मोहम्मद खिलजी, मोहम्मद खिलजी ये सेकंड वाला था, मोहम्मद खिलजी सेकंड था। और कहा जाता है कि इसके ऊपर आक्रमण करता है और वहां पर किसको देखता है? सांगा को देखता है। और यहाँ पर विजय कौन हो जाता है? युद्ध में भी विजय कौन हो जाता है? यहाँ पर विजय हो जाता है। कौन सा विजय हो जाता है? इस याद रखिए। अब बात करें इसके पश्चात बात करें प्यारे दोस्तों तो क्या कंडीशन होती है यहाँ पर? यहाँ पर कंडीशन ये होती है इसके बाद जो युद्ध होता है वो कौन सा युद्ध होता है देखिएगा। इसके बाद लगातार बैक टू बैक कहा जाता है कि युद्ध करता है ये। और इसके बाद जो युद्ध होता है कौन सा युद्ध होता है भाई? इसके बाद जो युद्ध होता है वो होता है आपका ईडर का युद्ध। ईडर, ईडर गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? ईडर का युद्ध। ईडर का युद्ध, ईडर का युद्ध होता है 1520 में। कब होता है भाई? 1520 में। कहाँ पर पड़ता है ये? गुजरात। कहाँ पड़ता है? गुजरात। और ईडर 1520 में कहा जाता है यहाँ पर ईडर का युद्ध होता है। इसके बीच होता है एक तरफ सांगा, कौन था? एक तरफ तो सांगा, कौन? एक तरफ तो सांगा, कौन भाई? सांगा वर्सेज मुजफ्फर शाह द्वितीय। मुजफ्फर शाह सेकंड इस युद्ध में भाग लेता है। और यहाँ पर भी विजय कौन हो जाता है? यहाँ पर भी विजय कौन होता है भाई? यहाँ पर भी विजय सांगा ही होता है। ये लगातार चार युद्ध होते हैं। चारों युद्धों में कहा जाता है कि राणा सांगा विजय प्राप्त करता है। अब राणा सांगा का वर्चस्व चारों ओर फैल गया था। क्या? चारों ओर फैल गया था प्यारे दोस्तों। और कहा जाता है कि यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाती है? राणा सांगा है जो इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के बाद अपने काम में लगाए हुआ था। लेकिन यहाँ पर बाड़ी का युद्ध हुआ, आपको पता है कि ये जो बाड़ी का युद्ध हुआ, कौन सा वाला? बाड़ी खातोली का युद्ध। खातोली के युद्ध के बाद बाड़ी का युद्ध हुआ। बाड़ी के युद्ध के बाद इसके चाचा लगा करते थे कौन? एक तो आलम खां लोधी, अरे एक कहा जाता है यहाँ पंजाब के सूबेदार हुआ करते थे। ठीक है, पंजाब के सूबेदार हुआ करते थे। ये निमंत्रण देने के लिए कहाँ चले जाते हैं? अफगान प्रदेश। और कहा जाता है वहां पर बाबर को निमंत्रण देते हैं। किसको? बाबर को। और उसको घटनाक्रम अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों, इसी टाइम इसी वक्त। और देखिएगा जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही वो कमेंट करके बताएं प्यारे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद प्यारे साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई उमंग नई जोश के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।